अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फोन पर YouTube चैनल के लिए वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि ये वीडियो 2 घंटों का निचोड़ है, यानी YouTube SEO कोर्स जो आपको 2 घंटों में सीखना पड़ता है, आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करके आपको 5 से 10 मिनट की कलील दौरानिए में सिखाऊंगा। अगर आपने YouTube SEO के ये तमाम स्टेप सेम बिल्कुल इसी तरह अपने चैनल पर अप्लाई किए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपकी ये वीडियो 2 हफ्तों के अंदर वायरल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी YouTube वीडियो यहाँ से प्लस के बटन को दबाकर अपलोड करते हैं तो ये मेथड आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करने वाला। तो दोस्तों, अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से अपने एंड्रॉयड फोन पर वीडियो अपलोड करनी है तो आपने गूगल क्रोम या फायरफॉक्स को ओपन करके अपने चैनल को ओपन करना है, जिस तरह आपके सामने नजर आ रहा है मेरा चैनल। आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगी। आपने वीडियो अपलोड पर क्लिक करना है। जो ही आप ये बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एरो का निशान आ जाएगा। आपको सेलेक्ट फाइल क्लिक करके उसी वीडियो को अपने मोबाइल से सेलेक्ट करनी है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। सपोज मैं ये दूसरी वीडियो सेलेक्ट की, अब ये अपलोडिंग पर लग चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ चुके हैं, मतलब आपके मोबाइल पर भी लैपटॉप की तरह कंप्लीट सेटिंग और SEO के साथ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो की टाइटल है, यहाँ आपने वीडियो का उनवान लिखना है, ये डिस्क्रिप्शन की जगह है, इसी तरह थंबनेल, प्लेलिस्ट और टेक्स्ट के तमाम सेक्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। वीडियो टाइटल के सर्चेबल और रैंक्ड कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढना है, इस पर मैंने बाकायदा एक वीडियो अपलोड की है, यही कहीं आई बटन में नजर आ रही होंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने वर्ड फाइल में पहले से वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिख के हुए हैं। आपने भी वीडियो अपलोड करने से पहले वीडियो का थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स रेडी करने हैं। दोस्तों, मैं टाइटल यहां से कॉपी करूंगा और टाइटल सेक्शन में पेस्ट करूंगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आता है, यहाँ पर आपने टैग्स का इस्तेमाल करके वीडियो के टाइटल या कीवर्ड्स को टैग करके लिखना है। उसके वो तमाम सर्चेबल कीवर्ड्स और टाइटल लिखने हैं जो हर कोई सर्च करता रहता है। डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के बारे में डिटेल लिखते हैं, इसी तरह रिलेटेड वीडियो के लिंक वगैरह भी शेयर करते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी शेयर करते रहते हैं। इसके बाद थंबनेल आता है, इस वेकेंट जगह पर क्लिक करके पहले से बनी बनाई थंबनेल को मोबाइल में मौजूद पिक्सेल लैब फोल्डर से सेलेक्ट करके अपलोड करूंगा। अगर आपको भी इसी तरह आई कैची थंबनेल अपने मोबाइल पर क्रिएट करना है तो इस पर मैंने अलहदा एक वीडियो अपलोड की है जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद आपने प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके डन करना है, फिर नीचे आकर शो मोर पर क्लिक करना है, यहां पर आप टेक्स्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपको मैं वर्ड्स फाइल से कॉपी करके यह वो तमाम टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। याद रहे, टेक्स्ट के लिए करेक्टर्स लिमिट की हद 500 है। आपने वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और इसके बाद बाकी तमाम सेटिंग जो ऑप्शन में दी हुई है आप चाहे तो ये छोड़ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन को दबाकर आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एड स्क्रीन पर क्लिक करें, इसका मतलब है जब वीडियो खत्म होने वाली हो तो आप अपने व्यूअर्स को दूसरी कौन सी वीडियो शो कराना चाहते हैं, ये बटन हो गया। इसके बाद एड कार्ड है, आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियो स्क्रीन के किसी
कॉर्नर में आई का बटन और उसके साथ टाइटल नजर आता है। तो ये दरअसल यहाँ से सेट होता है, यहाँ से आप उसकी टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी आई बटन में ये वीडियो हो जाए, ये बटन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आपके सामने ये चारों ऑप्शन आ जाती है। अगर आपने वीडियो को फौरन पब्लिश करना हो तो आप पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं तो आप प्राइवेट या अनलिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये देखिए आपकी वीडियो रेडी है और आप इसका लिंक डिफरेंट सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, मगर आप वीडियो को न तो लाइक करते हैं और ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है।